दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार है और मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीके का, ठीक है। तो इसमें हम टॉप 20 देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। इसमें देख आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखना, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपके SSC CHSL CGL ग्रुप डी MTS और अदर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे। हमारा इसमें क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या चीज़ देखना, पहला क्वेश्चन क्या है, लीमा इज द कैपिटल ऑफ दिस। किसकी कैपिटल है लीमा? तो ये देखा, लीमा कैपिटल किसकी है? पेरू की, ठीक है। अब यहाँ हम पेरू के बारे में कुछ देख लेते हैं। ध्यान इसकी देखना, इसकी करेंसी क्या है? मेरे पास इसकी करेंसी है, इसकी ध्यान रखना, इसकी करेंसी होती है सोल, ठीक है। करेंसी हमारी सोल है। अब इसमें देखना, चिली, चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो कैपिटल है इसकी। और अर्जेंटीना की बात करें तो पेसो, पेसो इसकी क्या कहते हैं, इसकी करेंसी है, पेसो करेंसी है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ कैपिटल की, ब्यूनर्स आयर्स है कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद इसकी बात करूँ उरुग्वे की, उरुग्वे की है मोंटी वीडियो करके है इसकी कैपिटल, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल प्लेज बीच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। जो साइना नेहवाल है कौन सा गेम खेलती हैं? तो हमारा खेलती हैं बैडमिंटन, समझ में आएगी। तो ये हम कौन सा गेम खेलती है? बैडमिंटन। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, बैडमिंटन खेलती है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें चेस के प्लेयर कौन से हैं? विश्वनाथन आनंद जी, ठीक है जी, विश्वनाथन आनंद जी। और अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो हमारे क्या हैं? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन है, ठीक है, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड भारतेंदु किसे कहते हैं? भारतेंदु के नाम से कितने जाना जाता है? तो है हमारे हरिश्चंद्रा, ठीक है जी, वो है हमारे हरिश्चंद्र जी, जी ठीक है। इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग्स होते हैं? तो इसमें होते हैं जी हमारे ओलंपिक्स में हमारे होते हैं 5, ठीक है। ओलंपिक्स में हमारे कितने रिंग्स होते हैं? 5, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगला चलते हैं 5 क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन पेरिस। पेरिस में क्या है इनमें से? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एफिल टावर, विक्टोरिया मेमोरियल, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, मतलब पीसा की झुकी मीनार, ठीक है। तो हमारा क्या है पेरिस के अंदर हमारा है एफिल टावर। ये चीज़ ध्यान रखना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? पेरिस में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन, द मैन हुज गम्स ब्लीड रिक्वायर। देखो, जो मैंस दांतों के अंदर जो गम्स ब्लीड निकलता है वो किस विटामिन की कमी की वजह से निकलता है? तो हमारा कौन सा है? वो हमारा हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है जी, विटामिन सी की वजह से ये होता है। अब विटामिन सी का केमिकल नेम पूछा जाएगा तो केमिकल नेम क्या होता है जी? हमारा एस्कोर्बिक एसिड। तो ये हमारा केमिकल नेम क्या है इसका? एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी का, ठीक है। अगर हम बात करें विटामिन डी का हमारा क्या हो जाएगा? विटामिन डी, इसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल बोलते हैं। और इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स हो जाती है। और यहाँ पर हमारा बात करें विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनोल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनोल, ठीक है जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल एंथम जनगण मन वाज कंपोज्ड बाय, नेशनल जो हमारा राष्ट्र गान है उसको किसने कंपोज किया है? तो ये हर कोई जानता होगा मेरे हिसाब से, ये हमारे किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको कंपोज किया, ठीक है। इन्होंने क्या 1913 में बुक गीतांजलि के वंदे मातरम लिखा था, ठीक है। जो 1913 में एक बुक आई थी गीतांजलि, उसमें से वंदे मातरम लिखा गया था, ठीक है। और बकीम चंद चटर्जी, आनंद मठ नाम की एक बुक है वो बकीम चंद चटर्जी की है। अब देखो, जनगण मन की बात करते हैं, जनगण मन जो है उसको एडोप्ट किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास,
इम्पोर्ट, इसको अडोप्ट कब किया गया था, अडोप्टेड बाई, कब बाई किया अडोप्ट किया गया था इसको, डेट थी 24 जनवरी 1955। ठीक है जी, 24 जनवरी 1955। और फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था 27 दिसंबर। फर्स्ट टाइम बात करें, फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था कब, इसको इसकी डेट थी हमारी 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता के अंदर। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है इसकी बात करें तो ये हमारा मुंबई के अंदर है। ध्यान रखना इसका कन्फ्यूजन पॉइंट सबसे ज़्यादा, गेटवे ऑफ इंडिया। अब बात करें, एक होता है हमारा इंडिया गेट, ये हमारा कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इंडिया गेट है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। इस चीज़ का ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहीं पे अगर हम बात कर लें, एक क्वेश्चन की और बन जाता है हमारा, विक्टोरिया मेमोरियल ये कहाँ पे है जी, हमारा कोलकाता में। ठीक है ना, कोलकाता में क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इंडिया गेट कहाँ है, न्यू दिल्ली में, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, कोलकाता में। उसके बाद हमारा है हैदराबाद में क्या है, चार मीनार। ठीक है, आगो अगला क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट एंशियंट वेदा, सबसे पुराना वेदा क्या है, वो हमारा क्या है, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा, सबसे पुराने वेद के बारे में बात करूं तो ये हमारा सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग वेदा। ठीक है, ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या लिया गया है, बात करें ऋग्वेद, गायत्री मंत्र। ठीक है फ्रेंड, इसको आप समझते जाना, मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को सुनना। तो इसमें से क्या लिया गया था, गायत्री मंत्र। एक है हमारे पास अथर्वेदा से क्या लिया गया था, जो जड़ी बूटियाँ और आयुर्वेदिक होते हैं ना, उनको लिया गया था अथर्वेद से। ठीक है, और हमारे 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर, कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान। यजुर्वेद के बारे में क्या बताया गया, यजुर्वेद मतलब कर्म के बारे में, और हम बात करें किसके बारे में, सामवेदा, एक है सामवेदा। सामवेदा से क्या रिलेटेड है हमारा, संगीत से, संगीत जो हमारा संगीत होता है वो संगीत क्या है, सामवेदा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आर दास इज आल्सो पॉपुलरली नोन है, सी आर दास को क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है चित्तरंजन दास देशबंधु, इनको किस नाम से जाना जाता है, देशबंधु, चित्तरंजन दास देशबंधु। ठीक है, देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये है, देशबंधु के नाम से। ठीक है, देशबंधु के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, और चाचा तो उनको नेहरू जी को जाना जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी को, और महात्मा गांधी को 1915 में, अगर बात करें 1915 के अंदर में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि टैगोर जी ने दी थी। 1915 के अंदर महात्मा की उपाधि किसने दी थी, टैगोर जी ने दी थी। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की बात करूँ, हूँ समाधि इज एट शक्ति स्थल, शक्ति स्थल के नाम से किसके समाधि को जाना जाता है, ये है हमारी जी शक्ति स्थल के नाम से इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के शक्ति स्थल के नाम से इंदिरा गांधी की समाधि को जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू की समाधि को बात करें, जवाहरलाल नेहरू की, इनका है शांति वन। ठीक है, इनको जाना जाता है शांति वन के नाम से। ठीक है, अब हम अपना चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे, हूँ ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पहले स्पीकर क्या कौन थे, ये हमारे थे जी वी मोबलांकर। ठीक है, जी वी मोबलांकर जी थे, इस चीज़ का ध्यान रखना, जी वी मोबलांकर जी हमारे क्या थे, पहले
स्पीकर लोकसभा लोकसभा के पहले स्पीकर थे, ठीक है। और उसके बाद बात करें के एस हेगड़े क्या थे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है जी। जी एस ढिल्लो क्या थे, हमारे लोकसभा के पूर्व स्पीकर, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बुक किसने लिखी थी जी, ये बुक लिखी थी हमारे जवाहरलाल पंडित पीएम जो थे, पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो ये हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बुक को लिखा था, ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड को किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब बात करें, देखो एक हमारे APJ अब्दुल कलाम के बारे में, इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक थी विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, या एक और बुक थी इनकी इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से इनकी एक बुक थी, ठीक है, दो बुक थी इनकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन विच, चिल्का लेक जो है वो किस राज्य में है, ठीक है, तो ये है हमारी जी उड़ीसा राज्य में, ठीक है, ये हमारी कौन सी राज्य में, उड़ीसा राज्य में, इस चीज़ का ध्यान रखना, उड़ीसा राज्य में। अब मैं देखो और बता देता हूँ क्या चीज़ है, सुंदरवन बुक्सा जलधारा, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जिसको बोलते हैं वो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कहाँ आंध्र प्रदेश में क्या है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये हमारा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के जो PM है वो MK स्टोलिन है, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, ठीक है, अब करंट टाइम में आई थिंक चेंज हो गए हैं, वो देख लेना। 14-15, इंडो पाक बॉर्डर मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है जी हमारा, उसको जाना जाता है रेड क्लिफ लाइन के नाम से, ठीक है, इसको इंडो पाक बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पे डूरंड लाइन जाना जाता है, डूरंड लाइन किस नाम से जाना जाता है, जो अफगानिस्तान की सीमा है उसको डूरंड लाइन के नाम से, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के सीमा के बीच में। अब मैकमोहन लाइन अगर हम बात करें यहाँ पे, मैकमोहन लाइन जो है ये हमारी इंडिया एंड चाइना के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। LOC तो आपको पता है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो बॉर्डर है, ठीक है, इसको LOC बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेड प्लेनेट, लाल ग्रह के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो हर किसी को पता होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मार्स को, ठीक है, मार्स को किस नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से, ठीक है। अगला देखते हैं, द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कंडक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, किस साल में पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया था, तो साल था मेरे पास, उस साल कौन सा था, उस साल था 1975 में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, 1975 के अंदर में हमारा क्या फर्स्ट न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट 18, द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंट टू स्पेस वाज, जो पहला सैटेलाइट था जो इंडिया द्वारा कहाँ भेजा गया था, स्पेस में, अंतरिक्ष में, उसका नाम क्या था, उसका नाम था हमारे पास आर्यभट्ट, ठीक है, उसका नाम था आर्यभट्ट नाम था, ठीक है, आर्यभट्ट पहला वो था हमारा स्पेस में जो भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी, जो नाइट ब्लाइंड रतौंधी की रोग हो जाती है उस किस विटामिन की वजह से होती है, तो वो होती है जी हमारी विटामिन ए की वजह से, हाँ ठीक है, विटामिन ए की वजह से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग, ठीक है। अब देखो यहाँ हम देख लेते हैं विटामिन बी को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन बी को बेरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बेरी रोग हो जाता है इसकी वजह से, विटामिन बी1, ठीक है। और विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, ठीक है। उसके बाद बात करें विटामिन ए की वजह से मसल्स वीकनेस वगैरह आ जाती है ना, वो विटामिन ई की वजह से होती है। और विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरोल करके है विटामिन ई का नाम, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम सन रीचेस अर्थ इन अबाउट, जो सन की लाइट है अर्थ पे कितने मिनट में रीच करती है, तो ये रीच करती है जी हमारी 8 मिनट में, ठीक है, ये कंप्लीट कहेंगे 8 मिनट 22 सेकंड भी लिखा हुआ है, ठीक है,
मतलब अप्रोक्सीमेट 8 मिनट 22 सेकंड के अंदर रीच करती है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।